कोई जम्मू कश्मीर के नाम की ऐप हो जिसपे ये गाड़ियाँ जो है हम वो सर्विस प्रोवाइड हम भी करना चाहते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट रियासत की चीफ मिनिस्टर से कि ये आपके जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है ये पूरे इसमें ये जो ओला की बात कर रहे हैं जो मंत्री साहब असेंबली में कि हमारी बात हुई है, हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है, उन्होंने झूठ बोला है असेंबली में और हमने सब मंत्रियों से बोला था कि इस सर्विस को ना लागू किया जाए। जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट की बात है हम ये सर्विस चलाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए ऐप बनाए और वो ऐप जो जम्मू कश्मीर के नाम की हो और वो जो ये कंपनी जो ये कमीशन ले जाती है 20-30% वो जम्मू की जनता को फ़ायदा हो। जब हम ये सर्विस देने के लिए तैयार हैं हम तैयार हैं, ये बाहर की कंपनी को क्यों ला रहे हैं? ये मंत्री साहब की पर्सनल कोई नेगोशिएशन हुई है उनसे तो अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आज हम लास्ट वार्निंग दे के जा रहे हैं यहाँ पे और हम कल या परसों से 2-3 दिन में हम अपने मीडिया के साथियों को बता देंगे हम ट्रांसपोर्ट मंत्री का घेराव करने वाले हैं और प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब हम रोड पे आने वाले हैं जो एक बर्निंग इशू बन जाएगा हमारे जम्मू कश्मीर में। तो हम लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मंत्री साहब को आप खुद समझाइए क्योंकि यहाँ इतनी ग्रुपबाजी है, क्योंकि हमने सबसे बात की ये किसी की बात मान के राजी ही नहीं है।